मुझे, आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को ऐसे नहीं कह सकते हो। न्यू कुमार जी, हम तो हालांकि वो अलग बात है कि थोड़े हमारे कड़वे सवाल ना थे, थोड़ा सा बच गए। काम था वो चले गए, आप ये मत कहिए कि सवालों से बच के हमारे अध्यक्ष जी चले गए। आप नहीं, बिल्कुल कड़वे सवाल के लिए उन्होंने आपके आपके पास यहाँ सांसद को छोड़ा। आप सवाल जितने मर्जी कड़वे लीजिए। सारे भाइयों ने राम राम भाई। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मवर भाई, देसी देख बिना ब्रेक। फिलहाल सेक्टर 27 में एक प्रोग्राम कराया गया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के ऊपर। 71 महिलाओं को, 71 सशक्त महिलाओं को सम्मानित कराया गया। और यू कार्यक्रम जो कराया था NRI सेल और संदीप भाई हैं DG युवा, और काफ़ी भारी भरकम बड़े बड़े नेताओं को यहाँ आमंत्रित कराया गया था, जिसमें तो सुनीता दुग्गल जी हैं, पवन सैनी जी हैं, और भी काफ़ी सारे प्रदेश अध्यक्ष OP धनखड़ जी भी आए थे। हालांकि वो अलग बात है कि थोड़े हमारे कड़वे सवाल ना थे, थोड़ा सा बच गए, लेकिन फिर लेवागे ले। तो फिलहाल सुनीता दुग्गल जी मार्गेला मौजूद हैं। सुनीता जी, पहले तो हमारे दर्शक ने राम राम कर दीजिए। देखिए, राम राम। और धर्मू जी, आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को ऐसे नहीं कह सकते हो। न्यू कुमार जी, अगर हम नहीं नहीं बिल्कुल कड़वे सवाल के लिए उन्होंने आपके आपके पास यहाँ सांसद को छोड़ा। आप सवाल जितने मर्जी कड़वे लीजिए। सवाल है, काम था वो चले गए। आप ये मत कहिए कि सवालों से बच के हमारे अध्यक्ष जी चले गए। तो न्यू बताओ मैडम, ये जो आज का जो प्रोग्राम था, 71 महिलाओं को सम्मानित कराया गया मोदी जी का 71वां जन्मदिन मनाने का, जो अंदाज है DG हुआ संदीप का, कैसा लगे आपने? देखिए, आपने देखा होगा कि जब से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कार्यभार संभाला है, हमारा कोई भी सेल ऐसा नहीं है कि जो एक्टिव ना हो गया हो। और इसीलिए आपने देखा होगा कि NRI सेल में किस तरह से संदीप जी ने जो आज कार्यक्रम किया है, जिसमें कि महिलाओं को जो है 71 महिलाओं को उन्होंने सम्मानित किया है, बहुत ही प्रेरणादायक ये आज कार्यक्रम था। और मैं तो चाहती हूँ कि इनसे और भी लोग मोटिवेशन लें और इंस्पायर होकर इस तरह के कार्यक्रम करते रहें, जिसके अंदर की महिलाओं को वो जो है उनको सम्मानित कर सकें, और बाकी जो बच्चियाँ हैं हमारी, जो बाकी बहने हैं या बाकी जो हमारे भाई हैं, वो भी उससे प्रेरणा ले सके। मैडम, इस तरह के प्रोग्राम की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि जैसे महिलाओं की सुरक्षा देने की अगर मैं बात करूं, तो क्राइम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, या फिर सत्ताधारी पार्टी की तरफ से भी प्रयास चल रहे हैं, उन प्रयासों में किस तरह की और ज़्यादा ताजगी लाने की जरूरत है, और समाज की तरफ से किस तरह के प्रयास करने की जरूरत है? देखिए, ऐसा है कि अगर आप संगठन की तरफ से बात करें, तो जिस तरह का महिला मोर्चा हमारे संगठन में है और जिस तरह के कार्यक्रम वो करते हैं महिलाओं को लेकर, मुझे नहीं लगता कि आपको किसी और दल में इस तरह का मोर्चा नजर आएगा। अगर आप सरकार की बात करें, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, जगह जगह पर महिला थाने हैं, और बच्चियों के लिए जो है दुर्गा शक्ति ऐप है, इसके साथ साथ अभी बहुत थोड़ी दिनों पहले ही 112 करके जो सेवा शुरू की गई है, उसके अंदर जो है बहुत उसका लाभ हमें मिल रहा है, और बच्चियां जो है बहुत जागरूक हैं। आपने देखा होगा कि ओलंपिक्स में जितने मेडल हमारी हरियाणा की बेटियां लेकर आई हैं, पूरे भारतवर्ष के अंदर और कोई बेटी नहीं लेकर आई। और इसके साथ साथ जो आपने बहुत अच्छी बात कही कि बहुत बड़ी जिम्मेवारी जो है वो समाज की बनती है। समाज में मैं सभी भाइयों को, सभी बच्चों को, सभी बेटों को ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह का मान सम्मान और इज्जत वो अपने घर में अपनी बेटियों को देते हैं, अपनी बहनों को देते हैं, अपनी माँ को देते हैं, उसी तरह का सम्मान वो अगर बाहर की बेटियों के लिए, बाहर की बहनों के लिए, बाहर की माताओं के लिए रखेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग जो हैं किसी भी तरह से अपराध पर अंकुश पाने में नाकामयाब होंगे। अपराध पर अंकुश तभी पाया जाएगा कि जब हमारी जो मानसिकता है वो कुत्सित नहीं होगी, जब हमारी मानसिकता जो है वो साफ सुथरी होगी और अच्छी होगी। बिल्कुल सही बात मैडम। एक तरफ तो यत्र नारी पूजयन्ते तत्र मन्ते देवता की अगर बात करें, और दूसरी तरफ जो है नारी को अगर मान ले इस तरह की समस्याओं को झेलना पड़े तो बहुत बड़ी बात है। प्रशासनिक क्षेत्र में बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपना हुनर दिखाना चाहें, लेकिन जो क्राइम का जो माहौल दिखा है उसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत है, और वो उस दिशा में बढ़ते हुए मतलब कहीं ना कहीं बीच में भी रुक जाते हैं। उन ऐसी महिलाओं को क्या कहना चाहोगे? देखिए, आपने देखा होगा कि आज हमारी जो है पुलिस की उच्च अधिकारी यहाँ पर राजश्री जी भी आई थी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जो है हमारी बहुत से ऐसे जो है पुलिस प्रशासन में भी और प्रशासनिक सेवा में भी हमारी महिलाएं आ रही हैं, और वो जो है महिलाओं को किस तरह से सपोर्ट करती हैं ये भी आपने देखा होगा। तो मुझे लगता है कि अगर हम सब मिलकर जो है इस जो ये हमारी एक कुप्रथा है कि जिसमें कि हम देख रहे हैं कि बेटियों के साथ जगह जगह पर, कई जगह पर दुर्व्यवहार होता है, तो मुझे लगता है कि जहाँ कहीं पर भी इस तरह का होता है, तो उस इंसान का सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। जो सरकार अपनी तरफ से काम करेगी, जो कानून अपनी तरफ से काम करेगा, वो अलग है, लेकिन इसके अलावा समाज की जिम्मेवारी बनती है कि ऐसा कोई भी पता लगे, कोई इंसान ऐसा है, तो उसका जो है सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी।